नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ IQ के बजट फ़ोन की अनबॉक्सिंग वीडियो। बजट फ़ोन इसलिए क्योंकि दोस्तों ये 5G स्मार्टफोन आपको मात्र 15,000 रुपये के अंदर मिलने वाला है। आजकल दोस्तों बजट का ज़माना है, इसलिए दोस्तों हर कंपनियां जो है बजट फ़ोन लाने की कोशिश कर रही है। ये है हमारे पास IQ का Z6 5G स्मार्टफोन। दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए फटाफट कर लेते हैं अनबॉक्स, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, हमें इसके साथ और क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। अंदर दोस्तों हमें वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, और इसके साथ दोस्तों हमें जो ट्रांसपेरेंट बैक कवर देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। और दोस्तों ये है हमारा IQ का Z6 स्मार्टफोन। दोस्तों फ़ोन के साथ हमें मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, और इसके साथ मिल जाता है Type-C डाटा केबल। मोबाइल के साथ दोस्तों आपको अडाप्टर नहीं मिलेगा, यानी चार्जर आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको 18 वाट का चार्जर जो है अलग से जो है परचेज करना पड़ेगा। यह है दोस्तों हमारा IQ Z6 5G स्मार्टफोन। इसका बैक पैनल आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिल जाता है ग्लासी फिनिश में, और दोस्तों जैसे आप इसको लाइट के सामने ले जाते हो तो इसमें आपको अलग अलग कलर दिखाई देंगे, और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको जो है IQ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों हमें IQ Z6 में 6.58 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। फ़ोन को अगर साइड से आप देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन इसकी उठी हुई देखने को मिलेगी। वहीं फ़ोन के नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, Type-C चार्जिंग पोर्ट और साथ में 3.5mm ऑडियो जैक और माइक दिया गया है। फ़ोन के लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, और दोस्तों फ़ोन के सबसे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप एक साथ जो है दो सिम लगा सकते हैं, या आप जो है एक साथ में जो है एक सिम या एक SD कार्ड लगा सकते हैं। वहीं फ़ोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। फ़ोन के बैक पैनल में दोस्तों आपको जो है ग्लासी लुक देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी आपके जो है फिंगरप्रिंट इसमें नहीं आएंगे। कैमरे के पास अगर आप देखोगे दोस्तों आपको इसमें 5G लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन में दोस्तों दो रियर कैमरे दिए गए हैं, एक 50 MP प्लस 2 MP, और साथ में दोस्तों आपको जो इसमें फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। इस फ़ोन में 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हैं फ़ोन को कर लेते हैं बूट। जैसे दोस्तों आप फ़ोन को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने नज़र आता है। इस फ़ोन में दोस्तों आपको जो है Android 12 भी देखने को मिल जाता है। मेरे पास जो अभी फ़ोन है दोस्तों ये 6128 वाला वेरिएंट है। चलिए दोस्तों अबाउट फोन में एक बार चेक करके इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रैम जो है 6GB है और 128 की स्टोरेज है। फ़ोन का सॉफ्टवेयर वर्जन आपको फ्रंटच OS 12 भी देखने को मिल जाता है। फ़ोन की बैटरी की अगर बात करें दोस्तों इसमें हमें 5000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें दोस्तों आप लगातार जो है 14 घंटे तक यूट्यूब वीडियो चला सकते हैं, या आप चाहें तो दोस्तों 8 घंटे तक इसमें आप जो गेमिंग खेल सकते हैं। IQ Z6 में दोस्तों आपको FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इस फोन में दोस्तों हमें गोरिल्ला ग्लास की जगह पांडा ग्लास देखने को मिलता है। इस फोन में दोस्तों आपको 120Hz का रिफ्रेशर रेट दिया गया है। 220Hz का इसमें टच सेगमेंट देखने को मिल जाए, जो कि दोस्तों गेमिंग को और भी जो है अच्छा बना देता है, जिसमें कि दोस्तों आपको जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली गेमिंग खेलने से। वहीं दोस्तों फ़ोन के साथ जो हमें यहाँ पे बैक कवर मिलता है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन को हमारा पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। यानी दोस्तों आपका फ़ोन कहीं गिर भी जाता है तो आपकी जो स्क्रीन जो है यहाँ पे डैमेज नहीं होती है, क्योंकि इसका जो है बैक कवर पूरी तरह से स्क्रीन को जो है यहाँ पे कवर कर देता है। फ़ोन के कैमरे की अगर बात करें दोस्तों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये सेल्फी कैमरे से ली गई है। इसका सेल्फी कैमरा दोस्तों आपको 8 MP का देखने को मिल जाता है। जैसे दोस्तों आप फोटो को जूम इन या जूम आउट करोगे दोस्तों इसमें आप फेस स्कैन टोन देख सकते, काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। यानी दोस्तों इसका जो सेल्फी कैमरा भी है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसका मेन कैमरा दोस्तों हमें 50 MP का देखने को मिल जाता है। ये फोटो आप देख रहे हो दोस्तों मेन कैमरे से ली गई है। इसको आप जूम इन या जूम आउट करोगे दोस्तों यहाँ पे आप जैसे इसकी क्लियरिटी काफ़ी पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे जो है इसकी क्लियरिटी देखने को मिल जाती है। फ़ोन के सेल्फी कैमरे या मेन कैमरे की अगर बात करें तो फोटो यहाँ पे अच्छी डिटेल में हमें यहाँ मिल जाती हैं। फ़ोन को ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों मेरे को काफ़ी अच्छी डील लगी। 15,000 रुपये के अंदर आपको 5G स्मार्टफोन मिल रहा है। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं अच्छा सा फ़ोन परचेज करने की 5G, दोस्तों आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।